हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, स्वागत करती हूं आपका। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आपकी दोस्त तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशन से करने जा रहे हैं बच्चों पार्ट एक, जिसका शीर्षक है एक की ताकत। एक की ताकत, उपर्युक्त चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे ये एक कहानी है जो आपने जरूर सुनी होगी। चित्रों द्वारा दी गई कहानी को समझकर उससे मिल रही शिक्षा को आपको अपने शब्दों में लिखना होगा। जी हाँ, आपने कहानी सुनी होगी। एक बूढ़ा इंसान था, उसके बहुत सारे बच्चे थे और उन्होंने एक लकड़ी को बोला था तोड़ दो और लकड़ियां टूटती चली गई थी। फिर उन्होंने एक लकड़ी का गट्ठर दिया था और बोला था अब तोड़ो, फिर वो नहीं टूटी थी। यानी कि एकता में ही बल है, ये वो वाली कहानी है। और कुछ इसी तरह से आज हमारी एक कविता भी है, तो कविता प्रवेश। एक अकेला होता है किंतु एक और एक मिलने पर दो नहीं बल्कि कभी कभी ग्यारह भी बन जाते हैं, ग्यारह भी बन जाता है। यही है एकता की शक्ति। एकता केवल मनुष्य को विजय ही नहीं बनाती, वरन पशु पक्षियों तक को भी शक्तिशाली बना देती है। यदि अपनी मुट्ठी को ही देखें तो एकता की ताकत का अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक एक जब जुड़ती उंगली बन जाती है मुट्ठी, यानी एक 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 जब बनती उंगली तो क्या बन जाती है? पूरी मुट्ठी। साथ हो चले एक एक हम, कर देते दुश्मन की छुट्टी। एक एक लघु कर जब मिलते बन जाते हैं हाथ। एक एक की ताकत देखो तो चलो हमारे साथ। एक एक बच्चा मिलता तो बन जाती है कक्षा सारी। जब एक सारे बच्चे मिल जाते, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, खूब सारे बच्चे आ जाते हैं तो क्या बन जाती है? पूरी क्लास बन जाती है ना, पूरी कक्षा बन जाती है। तो एक एक जब फूल खिले, इधर फूल खिला, इधर फूल खिला, इधर तो महक उठी फुलवारी। यानी कि जो फुलवारी है वो भी महकने लगती है। कब? जब खूब सारे फूल, एक 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 फूल खिले होते हैं। एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है। जब बहुत सारे जने होते हैं तो पूरी दुनिया विशाल, बड़ी सी दुनिया बन जाती है। एक एक क्षण मिलता जाता बन जाता फिर महाकाल है। एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान। भाषा जाति धर्म कोई हो, यह है भारत देश महान। तो ये थी हमारी कविता दौड़ो दौड़ो छोड़ो आलस, सुंदर कर लो अपने कल को, बनना चाहो अगर बड़ा तुम, जोड़ो जोड़ो पल पल को। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो आपको एक एक पल, एक एक क्षण उसको हमें जोड़ना है और हमें आलस नहीं करना है। दौड़ो दौड़ो छोड़ो, यानी कि दौड़ो भागो काम करो और आलस को त्याग दो, आलस को छोड़ दो, तभी हम अपना आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर सुंदर बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें एक एक पल को हमें वेस्ट नहीं करना, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें उस पल को, छोटे छोटे पल को संभाल के जोड़ के रखना है उसका, यानी कुछ ना कुछ काम में हमें करने से वेस्ट, उसको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। ठीक। तो ये थी हमारी इतनी सुंदर आज की कविता, जिसकी कवित्री थी लता पंत। किसने लिखा है बेटा ये कविता को? लता पंत जी। ठीक। और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द, फुलवारी, महाकाल, विशाल, आलस, प्राणी, क्षण और हिंदुस्तान। और अब है शब्दार्थ। लघु का अर्थ है कमजोर या छोटा, फुलवारी यानी फूलों का छोटा बाग, कर का मतलब है हाथ, भारतवासी यानी भारत में रहने वाला, क्षण का अर्थ है पर्थ पल, आलस का अर्थ है प्रमाद या आलस्य, विशाल का अर्थ है बड़ा और महाकाल का अर्थ है लंबा समय। और अब हम चल रहे हैं, हमसे क्या पूछा है? एक एक उंगली से मिलकर क्या बनता है? एक एक उंगली से मिलकर मुट्ठी बन जाती है। किसके मिलने से महाकाल बन जाता है? एक एक क्षण के मिलने से महाकाल बन जाता है। भाषा जाति और धर्म की भिन्नता होते हुए भी हमारा देश कैसा देश है? भाषा धर्म जाति सब कुछ अलग अलग होते हुए हमारा देश भारत एक देश है। हम सब एक ही भारत देश के निवासी, हमारा भारत देश है। तुम बड़े कैसे बन सकते हो?
हम बड़े ऐसे बन सकते हैं जब हम आलस नहीं करेंगे, एक एक क्षण को जोड़ेंगे और हम तब, और बिल्कुल भी हम आलस नहीं करेंगे और हम दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, और तभी हम जो है आज जो है बड़े बन सकते हैं। और अब बच्चों में क्या करना है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। एक एक फूल से क्या महकता है, गुलदस्ता, फुलवारी, नदी या बगीचा। एक एक फूल से फुलवारी महकती है। एक एक प्राणी से मिलकर क्या बनती है, कक्षा, फुलवारी, दुनिया या गृहस्थी। एक एक प्राणी से मिलकर बनती है दुनिया। एक एक क्षण से मिलकर क्या बनता है, एक एक क्षण से बनकर मिलता है महाकाल, हाथ, कैलेंडर या समय, महाकाल। एक एक भारतवासी से मिलकर क्या बनता है, देश, हिंदुस्तान, खेत या विदेश। एक एक भारतवासी से मिलकर बनता है हिंदुस्तान। तो हमने क्या किया, हमने इन पर सही और गलत के चिन्ह लगाए। और अब हमसे क्या पूछ रहे हैं ये, और बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। और इन पंक्तियों को मैंने पूरा कर दिया है। अब है जैसे एक एक जब, एक एक जब, यहाँ पे मैंने बना है जुड़ती उंगली बन जाती है मुट्ठी, साथ हो चले एक एक हम कर देते दुश्मन की छुट्टी। एक एक की ताकत देखो बन जाती दुनिया विशाल है, एक एक प्राणी से मिलकर बन जाता फिर महाकाल है। तो ये हमने क्या किया था, ये हमने जो हमारी कविता थी उसके हमारे रिक्त स्थान थे जिन्हें हमने पूर्ण किया। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना। सबसे पहले पूछा है एक एक उंगली जोड़ने पर मुट्ठी बन जाती है। जी हाँ बिल्कुल सही, मुट्ठी बन जाती है एक एक उंगली जोड़ने पर। एक एक प्राणी से मिलकर बनता है परिवार। एक एक प्राणी से मिलकर बनती है दुनिया, जो कि ये गलत है। आलस छोड़कर नया दिन शुरू करने पर भविष्य खराब होता है, बिल्कुल नहीं। आलस छोड़कर नया दिन शुरू करने पर भविष्य बनता है, सुनहरा भविष्य बनता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक एक बच्चे के मिलने पर दुनिया बनती है, जी नहीं, एक एक बच्चे के मिलने पर कक्षा बनती है, तो ये भी गलत है। एक एक भारतवासी के मिलने पर हिंदुस्तान बनता है, जी हाँ एक एक भारतवासी के मिलने पर हिंदुस्तान बन जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमसे पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है दुश्मन की छुट्टी हम कैसे कर सकते हैं। दुश्मन की छुट्टी हम एक एक दुश्मन की छुट्टी कर सकते हैं अगर हम आलस ना करें, हम दौड़े भागें और हम दुश्मनों का सामना बहुत मजबूती से करें तो हम दुश्मन की छुट्टी कर सकते हैं। कविता पढ़कर आपने क्या सीखा, कविता पढ़कर सीखा कि एक एक चीज़ के मिलने पर ही सब कुछ संभव हो सकता है। एक एक में उंगली के मिलने से जो है पूरी मुट्ठी बन सकती है, एक एक क्षण के मिलने से महाकाल बन सकता है, एक एक फूल के मिलने से फुलवारी बन सकती है जो महकती है, और एक 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 प्राणी के मिलने से पूरा भारतवर्ष बन सकता है। इसलिए हमें अपने पल को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें एक एक पल को जोड़ के रखना है। लघु कर जब मिलते हैं तब क्या बन जाता है, लघु कर मतलब लघु मीन्स छोटे और कर का मतलब हाथ। लघु कर मिलने से एक पूरा हाथ बन जाता है। फुलवारी कब महक उठती है, जब छोटे छोटे फूल जो हैं बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जब पूरे छोटे छोटे फूल इकट्ठे हो जाते हैं तो फुलवारी महक उठती है। कविता के अनुसार कक्षा कैसे बनती है, कविता के अनुसार जब एक 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 बच्चा मिल जाता है तो पूरी एक कक्षा बन जाती है। तो बच्चों आज हमने क्या सुना, आज हमने एक बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी थी। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है, बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।